ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ओके, गुड मॉर्निंग। वी प्रोसीड फर्दर। जो कल कर रहे थे उससे आगे हम लोग चालू करते हैं काम करना। ओके, अगला प्रॉब्लम लेंगे हम लोग। लिखो एक प्रॉब्लम, लिखो नहीं, पढ़ो जरा क्वेश्चन 61। जीतू, आर यू देयर? यस सर। क्वेश्चन 61 पढ़ो। अ कॉपर मीटर क्यूब हैज ईच साइड ऑफ लेंथ 1 मीटर, द बॉटम एज ऑफ अ कॉपर इज फिक्स्ड एंड टेंजेंशियल फोर्स 4.2 × 10⁸ न्यूटन इज अप्लाइड टू टॉप सरफेस। Calculate the lateral displacement of the top surface if modulus of rigidity of copper is 14 × 10⁻ newton per meter square. Anybody can tell me what is this lateral displacement? क्या लिखूँ? Lateral displacement of the top surface. What should I write here? Anybody? Lateral displacement. देखो, एक क्यूब था ऑफ साइड 1 मीटर, उसका बॉटम फिक्स कर दिया है। ये 1 मीटर की साइड है, राइट? एंड टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स की वैल्यू दी है, तो ऑब्वियसली बिकॉज़ वी आर डीलिंग विद इलास्टिक बॉडी, तो ये थोड़ा सा इधर खिसकेगा। एनीबडी कैन टेल मी, दे वांट अस टू फाइंड आउट व्हाट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट शुड आई फाइंड? क्या लिखूं यहां पे? फाइंड द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट शुड आई फाइंड हियर? So, DL. We want to find DL. Okay. Now, anybody can tell me what is the area over which the force is applied? A cube hai. Cube ke upar ye wala force apply kiya 4.2. So, on what area it has been applied? What is the area over which the force is applied? Ye force idhar apply kiya iske upar. So what is the area? 1 meter by 1 meter. What is the area? 1 meter by 1 meter. क्या मतलब क्यों बोलते हैं? सुबह सुबह नींद में हो गया। 1 meter square. Tell me now. रोशनी, what is eta का formula? रोशनी eta का formula क्या है? Shear stress upon shear strain. नहीं, formula F F के रूप में. F upon A theta. That's right. Theta equal to F upon A theta. अच्छा, theta का formula क्या है? Theta का formula? Theta is what upon DL what? DL upon L. So small L upon. That's right. DL upon L को ऊपर ले जाता हूँ मैं. So we want DL. Therefore, what is DL equal to? F into L upon A into eta. I hope that's clear. और भी कम करना आसान, तो F upon area is nothing but L square into eta, that is F upon L eta. देखो जरा, कुछ mistake तो नहीं है? देखो, eta equal to F upon A theta. Eta equal to F A F upon A theta के बजाय DL upon L, तो L ऊपर आ गया। ये DL को यहाँ ले आया, ये माल इधर, ये माल उधर, तो DL will be equal to FL upon A into eta. FL upon area is nothing but L square, L into L into eta, तो F upon L eta. अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, खलास, F कितने हैं? 4.2 × 10⁸, L कितने हैं? 1 meter, eta कितने हैं? 14 × 10⁻¹, यानी ऊपर गया तो -10. And here you, if you simplify, you will get the answer 3 × 10⁻³ meter, 14 × 42 बराबर है, और that is 3 millimeter. एक बार और रिपीट कर दूं, शुड आई रिपीट अगेन? ओके, देखो प्रॉब्लम में कुछ कुछ ऐसा, एक क्यूब था ऑफ साइड 1 मीटर,
1 meter. All right. उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स सप्लाई किया, वैल्यू दिया है. रिजिडिटी दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दिया है. दे वांट टू नो व्हाट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप लेयर. तो सबसे पहले एरिया वर्क विद द फोर्स इज अप्लाइड इज 1 मीटर बाय 1 मीटर दैट इज 1 मीटर स्क्वायर. थीटा का फॉर्मूला एफ अपॉन ए थीटा. थीटा का फॉर्मूला एफ अपॉन ए थीटा इज डीएल अपॉन एल लैटरल डिस्प्लेसमेंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर. वी वांट डीएल, डीएल को मिला यहां, थीटा को मिला वहां वहां. तो एफ ए अपॉन एरिया इज नथिंग बट एल स्क्वायर 1 मीटर लिख सकते थे यहां पे. यहां मुझके एल को दूसरा तो एल स्क्वायर थीटा. तो एल एंड एल स्क्वायर तो एफ अपॉन एल थीटा. एफ की वैल्यू डाली 4.2 इनटू 10 टू 8. L की वैल्यू डाली 1 मीटर. इट इज 14 इनटू 10 टू 10. तो ऊपर गया तो माइनस 10. सिंपलीफाई. गेट द आंसर. आई होप दैट्स वेरी सिंपल. यस बच्चों, अभी ना थ्योरी करते हैं. प्रॉब्लम हमने काफी कर दिए. ये 62 इसके बाद होमवर्क लिखो. 62 होमवर्क. जगह छोड़ दो उसकी. देखो मेरा सॉल्यूशन टोटली अलग टाइप का रहेगा. जो बुक में दिया वो पूरा अलग रहता है, मेरा सॉल्यूशन कुछ अलग ही रहता है. ओके, तो अब हम करते हैं एक अगला. एक क्वेश्चन लिखो ना, एक क्वेश्चन लिखो आप लोग. डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी. I am going to speak only once, then I am going to ask. Define strain energy. So now, suppose ये body को एक wire मान लेता हूँ मैं. इसको body बोलूँगा, wire नहीं बोलूँगा, तो अपना body. When a body is deformed within elastic limit है ना, उसका deformation होगा, लेकिन it will deform. Remain deformed as long as what is there on it. Anybody can complete my sentence? Within elastic limit. Deforming force. That's a lovely answer. Too good answer. I love that. See, when a body is deformed within elastic limit, the work done in it, ultimately, you know, it's going to deform. You have to apply some force. Force will produce some displacement. तो अल्टीमेटली वो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जहां मिलन हुआ तो क्या हो, कौन सी क्वांटिटी हुई, क्या हो जाता है? अपन ने कौन क्या किया, फोर्स भी लिया डिस्प्लेसमेंट भी किया, तो क्या किया बेटा, क्या किया? अरे मैंने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेस भी हो गई बॉडी. फोर्स भी अप्लाई किया और डिस्प्लेस भी हो गई बॉडी. तो क्या किया मैंने? चेंज. अरे काम किया कि नहीं? काम. काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Work. The work is done. This work then is stored in the form of potential energy. ये work है ना store हो जाती है body के अंदर in the form of potential energy which is called as strain energy. I am repeating. I am going to ask, when a body is deformed within elastic limit, the work done on it is stored in the form of, ठीक है? P का मतलब? Potential energy. Which is called as strain energy. Afif, बोल. Afif, बोल. तू रहा है क्या? When a body is deformed. So when a body is deformed by applying a deforming force. Within elastic limit, the work done. The work done. So the work done. Stored in the form of potential force. Potential force, nahi. Potential energy. Potential energy. Stored in the form of potential energy, which is called as strain energy. Likho, chalo. I don't like. Achha answer nahi hai ye. Aisa likho. When a body is deformed within elastic limit. When a body is deformed. Within elastic limit, your body is deformed within elastic limit. The work done on it
the work done on it is stored. In the form of potential energy, in the form of potential energy, which is called as strain energy, अब अगला क्वेश्चन लिखो. एक नोट नोट लिख दो ना, एक नोट लिख दो. स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. तीनों एक ही चीज है. कोई बोले स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करे तो वर्क फाइंड आउट करना है, बोले पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क, तीनों वन एंड द सेम. Show that strain energy per unit volume, if I'm ready to tell a question, is equal to half into stress into strain. Half into stress into strain. Or that is equal to sorry, that is equal to half into y into strain square. Or that is equal to half into stress square upon y. Haan, bolo, 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 please. Haan, bolo. So what is the middle word? After half. Half into stress into strain. Or half into y into strain square. Or half into stress square upon y. ये हमें प्रूव करके दुनिया को बताना है. ओम आर यू देयर? से यस नो. ओम ओम यस. हाँ गुड. अब इसका डेरिवेशन देखो, मैं कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखो. अब लिखना बंद कर दो, पुट योर पेन डाउन एंड स्ट्रेट अवे स्टार्ट लुकिंग. माय क्वेश्चंस विल स्टार्ट कमिंग टू यू. बीच बीच में मैं फॉर्मूले पूछने वाला हूँ. हुसैन हुसैन. यस सर. यस सर. बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बोल. बल्क मॉडुलस के इज इक्वल्स टू वी इनटू डीवी बाय डीपी. दैट्स रॉन्ग. ओम फॉर्मूला बराबर बोल. V into dp by dv. हाँ, नाउ इट इज राइट. सो ओके, लिसन. कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ l, क्रॉस सेक्शन एरिया a, सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स f विद इन इलास्टिक लिमिट, एंड लेट l बी द व्हाट इज छोटा l? चेंज इन लेंथ. हाँ, टेंपरेरी इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर. देयरफॉर tensile stress kya likho equal to what upon what? Kya likho? F upon A. And what is tensile strain? Kya likho bolo? Chota L upon mota L. What is y? By definition, tensile stress upon tensile strain. And that is equal to F upon A upon L upon L. And therefore, Y equal to FL upon AL. And therefore, anybody can tell me F will be equal to what? F. F kya hovega? Cross multiply. विधि F क्या होगा? F so y l upon a small l. y a छोटा l upon मोटा l
इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर वन। ना मैं बात बताता हूँ आपको, देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। मुझे बताओ डीवी क्या था, डीवी डी और वी में फर्क क्या था? सर डीवी इज चेंज इन वॉल्यूम पावर, सर वी इट इज लार्ज और स्मॉल। हाँ डीवी लार्ज और स्मॉल, और वी क्या है? वी क्या है? वॉल्यूम लार्ज। अब है ना आपके सवाल उठता है कि अगर छोटा वॉल्यूम मालूम है और पूरा वॉल्यूम मालूम करना हो तो देयर इज अ मैथमेटिकल टर्म कॉल्ड इंटीग्रेशन। सुना है कभी इंटीग्रेशन वर्ड? सुना है कभी किसी ने? यस नो? तो रिमेम्बर अगर छोटी चीज मालूम है और बड़ी चीज मालूम करनी है तो सिंपल क्या मालूम है, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है ऐसा, क्यों ऐसा? तो इंटीग्रल ऑफ डीवी इज नथिंग बट इक्वल टू वी, ये ध्यान रखना। अगर छोटा सा वर्क है, छोटा सा वर्क है डी डब्ल्यू और डब्ल्यू इज द टोटल वर्क, हाउ टू फाइंड टोटल वर्क? एनीबडी कैन टेल मी हाउ टू फाइंड द टोटल वर्क? क्या करूं, ऊपर का एग्जांपल लेके समझो जरा, टोटल वर्क लेके क्या करूं, हाउ टू फाइंड टोटल वर्क अगर छोटा वर्क मालूम है तो? एज पर दिस आइडिया इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, अब है ना हमारा वायर स्ट्रेच कर रहा था, सुनो हाँ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन समझ लो, हमारा एक वायर था ये स्ट्रेच कर रहा था धीरे 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 धीरे, एक्चुअली बहुत छोटा है, फाइनली स्ट्रेच इतना हो गया, कितना हो गया एल, इतना स्ट्रेच हो गया। एक्चुअली एल इज वेरी स्मॉल, लेकिन मैं बहुत स्मॉल दिखाऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। दिस एल इज वेरी स्मॉल और ये लेंथ इज वेरी लार्ज। नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ पे एक्सटेंशन कितना था? जीरो। यहाँ पे एक्सटेंशन कितना हुआ एल? मुझे एक बार पता, जैसे वायर लगा पट करके तुरंत होता है कि टिक्स लिटिल टाइम, धीरे 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 होता है, क्या होता है एक साथ हो जाता है कि थोड़ा टाइम लगता है? एनीबडी एनीबडी? एक साथ होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, लो लिटिल टाइम इट टेक्स फॉर वायर टू धीरे धीरे स्ट्रेच होता है और एल पे आके अटक जाता है, छोटे एल पे इट टेक्स लिटिल टाइम और पट पट। हाँ जल्दी से हो जाता है ना? हाँ नहीं, टेक्स लिटिल टाइम। अरे वायर वायर के नीचे लगाया तो वायर विल टेक लिटिल टाइम, ऐसा फिर थोड़ा आएगा स्ट्रेच। तो रिमेम्बर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन है ना, धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाता है, एट ए सर्टेन स्टेज लेट एक्स बी द एक्सटेंशन, लेट एक्स बी द एक्सटेंशन एंड लेट द करस्पॉन्डिंग रीस्टोरिंग फोर्स भी छोटा है। करस्पॉन्डिंग रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? छोटा है। तो टेल मी इधर एफ के बदले अगर छोटा एफ डालूं तो इट विल बी वाई ए छोटा एक्स अपॉन एल। नाउ रिमेंबर वन थिंग, वायर स्टॉप हो गया स्ट्रेच होना या स्ट्रेच होगा धीरे धीरे और भी? एक्सप्रेस स्टॉप हो गया कि इसका कंटिन्यू करेगा आगे स्ट्रेच होना, बोलो इधर स्टॉप हो जाएगा या कंटिन्यू करेगा स्ट्रेच होना एक्स पे? अरे उसको एल तक जाना है, एल तक जाना है, तो एक्सप्रेस स्टॉप होगा या कंटिन्यू करेगा? कंटिन्यू होगा ना, फिर तो कंटिन्यू होगा। लेट इट फर्दर स्ट्रेचेस बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंटल डिस्टेंस dx से स्ट्रेच होता है फर्दर। तो व्हाट इज द वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट f इनटू dx, जस्ट फॉर dw क्या होगा yax अपॉन l इनटू dx। ये छोटा वर्क, हाउ टू फाइंड द टोटल वर्क? हाउ टू फाइंड द टोटल वर्क? अगर छोटा सा वर्क मालूम है dw तो हाउ टू फाइंड द एंटायर वर्क? W equal to integration of W dw equal to integration of dw. और यू नो पहले एक्सटेंशन कितना था यहाँ पे? जीरो था, बाद में एक्सटेंशन कितना हुआ एल, इधर मिलेगा जीरो टू एल। ये मैथ्स में आपको समझ में आएगा, मैथमेटिक्स करेंगे ना तो इंटीग्रेशन चैप्टर में आएगा। जीरो टू एल, स्टार्टिंग में एक्सटेंशन हो जीरो, फिर बाद में फाइनली कितना हो गया एल, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एल वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में सिखा नहीं रहा हूं, आपको एक फाइनल आंसर देता हूँ सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन व्हाट वी गेट, जो वो आई वांट यू टू लर्न बाय हार्ट।
So W equal to half into Y A L square upon L. ये आपको ध्यान में रखना है और ऐसे याद रखना है तो Y A L square upon 2L ऐसे याद रखना है. Solving this integration we get this. जिन्होंने PCB लिया है उनको तो learn by heart कर रही है. PCM वालों को यहाँ से यहाँ कैसे आता है that you will learn when mathematics में पढ़ाएंगे तो. All right. तो अब हम इसको मिटाए देते हैं. ये यहां तक आया. अब इसके बाद में डेफो W क्या होगा इसको थोड़ा सा हम लोग इधर उधर अरेंज करेंगे. हाफ इंटू वाई ए छोटा एल अपॉन मोटा एल इंटू छोटा एल. देखो इस एल स्क्वायर को है ना मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया छोटा एल. एनीबॉडी कैन टेल मी स्टेप क्यों किया. एनीवन कैन लुक एट द व्हाइट बोर्ड एंड टेल मी आखिर मेरे को स्टेप करने की जरूरत क्या पड़ी. एनीवन can see the board and from, tell me sir aapko substituting in equation 1 that's very good bahut acha jitu bahut acha and therefore w equal to half into bada f into chota l and therefore abhi teen formula work ka formula potential energy ka formula aur strain energy ka formula all three are same equal to half into F into L. कभी कभी स्टूडेंट को पूछता हूँ सपोज फोर्स था F एक्सटेंशन हुआ L तो व्हाट इज द वर्क डन. स्टूडेंट बोलते हैं FL. नो इट इज हाफ FL. इट इज हाफ FL नॉट FL. ये ध्यान रखना हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन वर्क डन. ऑल राइट नाउ अभी हमको प्रूव करना है ये वाला पॉइंट. देखो टेल मी व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी upon volume. Can I say that is equal to half into F into L upon volume of the wire. Can I say area into length? Area into length will give me volume of the wire A into L. Can I write this is half into F upon A into chota L upon mota L. Can you see? Anybody can tell me the first strain energy per unit volume equal to half into strength into strength. ये tensile load हटा सकते हैं और ये लिख सकते हैं that's okay understood. ये आ गया एक डेरिवेशन. ये नाउ वी नो y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन देयरफॉर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हाफ. टेल मी स्ट्रेस के बदले कैन राइट y इनटू स्ट्रेन. जरा देखो तो स्ट्रेस के बदले कैन राइट y इनटू स्ट्रेन. बोलो बोलो ये स्ट्रेस के बदले स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन तो क्या आएगा वाई इंटू स्ट्रेन सो दैट विल बिकम हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर. और यहां पे स्ट्रेन के बदले क्या लिख सकता हूँ. यह स्ट्रेन है यहां से स्ट्रेन के बदले मुझे स्ट्रेस के रूप में क्या लिख सकता हूँ. एनीबॉडी स्ट्रेन इक्वल टू व्हाट अपॉन आवर स्ट्रेस अपॉन क्या. स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई. दैट इज राइट दैट इज राइट. अब यहां से मैं थोड़ा यहाँ पे दिख तो रहेगा ऑल्सो इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस अपॉन वाई सो दैट इज इक्वल टू आर दिख रहा है यहाँ पे. ओके half into stress square upon y. ये आंसर खलास. तो तीनों डेरिवेशन हो गए. देखो एक तो ये था एक ये था ये डेरिवेशन था ना. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं एंटायर आपके सामने. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. ये जनरली मैंने देखा है एग्जामिनेशन में पूछते हैं ये लोग जो थियरी एग्जाम रहती है ना
उसमें लोग पूछते हैं, और इसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर सीटी नीट जेडब्ल्यू में क्वेश्चन भी आते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना. एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू मस्ट नो द फॉर्मूला, यू मस्ट नो द फॉर्मूला, वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है. मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ, ओम व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, ओम व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, ओम अनम्यूट, ओम शायद भाग गया है, शायद ओम भाग चुका है. हाँ यस डेफिनेटली रन अवे. मास यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या है, मास यूनिट ऑफ स्ट्रेस सर, या गुड ओके रोशनी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Yeah, Newton per meter square, force upon area. Conan, what is the unit of strain? Conan, what is the unit of strain? Strain has no unit. That's lovely answer. I loved it. Okay, ek baar fir se entire derivation aapke samne. Consider a wire of length cross sectional area A is subjected to deforming force within elastic limit, let L be the extension. What is tensile stress? F upon A. What is tensile strain? L upon L. Young's modulus, tensile stress upon tensile strain, F upon A upon L upon L. Therefore, Y equal to FL upon AL. Therefore, F equal to YH chota L upon mota L. Equation number one. Yahan pe kya likhna hai? During the process of extension, yet at a certain stage, extension and correspond restoring force for the restoring force which chota f. Therefore, ye bada f ke badle chota f aur l ke badle x. So we get f equal to y a x upon chota l, bada l. Let wire further stretches by a very small elemental distance dx. Therefore, because elemental distance is small, work done will be very small. Therefore, dw equal to f into dx. Therefore, dw equal to f ke badle y a chota x upon bada l into dx. F ki value on substitute. Therefore, to find total work, what we do? Isko kya bolte hai isko? Iska naam kya hai? Isko kya bolte hai? Integration. Integration, to dw 0 to l, that is integration y a x upon bada l into dx 0 to l. Simplifying this, we get this. Ye kaise aata hai? Maths mein you will understand. Isi bhi wale learn by heart. Therefore, w will be half into y a chota l upon mota l into chota l. But y a l into l f a. So work equal to half into f into l. This work then is stored in the form of potential energy called strain energy. Therefore, work equal to p equal to s equal to the three of the formula same. Strain energy per unit volume is nothing but strain energy upon volume. What is the volume of wire? Area into length. That is half into f upon a into chota l upon mota l. But f upon a is stress. Chota l upon mota l is strain. Therefore, strain energy per unit volume is this. We know y is stress upon strain. So, stress ko hatayenge to we'll write y into strain. Strain ko hatayenge to what we'll write? Strain ko hatayenge to what we'll write? Bhargav, strain ko hatayenge to kya likhenge? Strain ko bhagana hoga yahan se to? Bhargav? Yes, sir. Strain ko bhagana hai to kya likhu main? Why? String के बदले why? हाँ sir, वो नीचे आ जाएगा फिर. अरे किसके बदले? पूरा equation बोलो ना. Suppose x is a upon b, तो what is b equal to? अरे यार, y stress upon string, तो string may be equal to what upon what? So stress upon y. हाँ, stress upon y, क्या बोल रहा है भार्गेश? Strain will be equal to stress upon y. Okay. So strain energy per unit volume is half into stress ke badle, I am writing y into strain. Y into strain into strain. So half into y into strain square. Ye kiya gaya. Ab yahan pe strain bhagayenge hum log. Strain ke badle I'll write stress upon y. So half into stress upon y. So half into stress square upon y. Ab main na question puchunga. Come on, tell me formula for strain energy per unit volume. तो आपको तीनों फॉर्मूले बोलने हैं. Half into stress
इंटू स्ट्रेन पहला, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर दूसरा, और तीसरा हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई। तीनों फॉर्मूले बोलने आपको। अभी मैं पूछता हूं हुसैन, तीनों फॉर्मूले बोल। सो फर्स्ट इज अ हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सेकंड फॉर्मूला इज हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई, एंड थर्ड फॉर्मूला इज हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेस इंटू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन इंटू आलोक, तीनों फॉर्मूले रिपीट कर। आलोक हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर हाफ इंटू वाई हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, बस इतना ही है। हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई, दैट्स इट। चलो अभी लिखना चालू करो, ऐसे लिखो कंसीडर अ वायर ऑफ consider a wire of length L cross section area A subjected to deforming force F capital F subjected to a deforming force capital F within elastic limit full stop let छोटा l be the work done bad change of course छोटा l be the increase in length let छोटा l be the increase in length therefore ye copy karo equation 1 pe aao As it is, write up to equation number 1. Copy maro. Fatta fat, khata khat, sata sat. हमेशा फिजिक्स में जीत उसी की होती है जिसको फॉर्मूले याद होते हैं, इसलिए सारे फॉर्मूले टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए आप सभी को। मैं बीच बीच में फॉर्मूले पूछते रहूंगा, बाद ये बता ओम या, ओम तो बहुत स्मार्ट है। ओम यस नो बोल, यस नो, ओम यस और नो बोल, ओम यस और नो बोल। भाग गया लगता है। यस सर। तो पहले आंसर क्यों नहीं दिया। चलो इक्वेशन वन इसके बाद लिखो, लेट द वायर फर्दर स्ट्रेचेस बाय सॉरी एट ए सर्टन स्टेज ड्यूरिंग द एक्सटेंशन लेट x be the extension let chota x be the extension and let f be the and let chota f be the corresponding restoring force and let chota f be the corresponding restoring force let chota f be the are yaar during the process of extension ये लिखा yes let x be the extension at a certain stage
let x be the extension at certain stage. And let theta f be the corresponding restoring force. And let theta f be the corresponding restoring force. And therefore, f equal to y a x upon l. यहाँ तक लिखो करी. Therefore, small f. यहाँ तक लिखा? सभी ने लिखा यहाँ तक कि नहीं? Yes. लिखा कि नहीं? Yes sir. Yes sir. हाँ. इसके बाद लिखो. Let wire further stretches by. Let wire further stretches by. Very small elemental length dx. Very small elemental length dx. Very small. Elemental, elemental. E-L-E, elemental यानी छोटा सा element बढ़ गया. Elemental. Length dx. Therefore, small work done dw. Therefore, small work done dw equal to f into dx. Therefore, small work dw equal to f into dx. And therefore, dw equal to y ax upon l into dx. ये बहुत important derivation है, ध्यान रखना. इसके यहाँ तक dw का लिखने के बाद मैं बताऊंगा वो लाइन लिखना. Therefore, total work can be found. इसके बाद. Therefore, total work can be found. Total work can be found by integrating above expression. By integrating above expression. Integrating above expression. और फिर ये पूरा कॉपी करो, पूरा एंड तक कॉपी कर डालो फटाफट. हमारे पास वक्त की बहुत कमी है. अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा दर 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 यहां तक खलास. स्क्रीनशॉट भी लेके रखो सो दैट लेटर ऑन यू कैन कॉपी आल्सो स्मूथली एंड इजीली. और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे को सारे फॉर्मूले, नेक्स्ट टाइम तो मैं 5-7 मिनट है ना खाली फॉर्मूले और यूनिट पूछता रहूंगा. बता इसका फॉर्मूला क्या, बता इसकी यूनिट क्या, बता ये क्या, बता वो क्या. एवरीवन मस्ट नो द फॉर्मूले. अगर मैं स्टूडेंट होता ना तो एक फॉर्मूले की समरी बना लेता और बोलता सर को पूछने दो कुछ भी, फटाफट आंसर दूंगा मैं. अगर मैं स्टूडेंट होता तो सर को पूछने दो कुछ भी पूछने दो. एंड आई एम सो आई विल नॉट. और खाली ओम को छोड़ के, ओम ऑलवेज विल डिपेंड ऑन हिज मूड. ओम के पेरेंट्स को एक बार बुलाना पड़ेगा क्लास में मेरे को. कॉपी करो फटाफट. एक बार ये लिख के प्रिपेयर करना अच्छी तरह से. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का. इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं.